देखेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा बच्चे के लिए इतना प्यार ओ पैसा नहीं मिलेगा इस डर से हाँ। हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है दोस्तों यशोदा तो दोस्तों यशोदा 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर्स फिल्म है तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में यशोदा फिल्म के रिव्यू फैक्ट्स एंड डिटेल्स और, और दोस्तों साथ में ही इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वहीं पर बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म को आप लोग ऑफिशियली कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और साथ में ये भी बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर्स और इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन किया है और दोस्तों ये भी बताएंगे कि आप लोगों को इस फिल्म में कौन कौन स्टेयरिंग कास्ट नज़र आने वाले हैं साथ में ही दोस्तों इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के भी बारे में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक्स, फुल एक्सप्लेनेशंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे और प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग्स के भी बारे में बात करेंगे और साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे इस फिल्म को कौन एडिट किया था और दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को यशोदा फिल्म कब रिलीज़ की गई थी और दोस्तों इस फिल्म को आप लोग ऑफिशियली कहाँ पर देख सकेंगे दोस्तों चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं यशोदा फिल्म 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर्स फिल्म है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा मूवी के डायरेक्टर्स हरी हरीश हैं जो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि हरी हरीश बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के डायरेक्टर हैं तो दोस्तों बहुत सारी फिल्मों को हरी हरी हरीश ने डायरेक्ट भी कर चुका है साथ में यशोदा फिल्म को भी डायरेक्ट किया गया है वहीं पर बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के राइटर के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के राइटर हरी हरीश ही हैं जो कि बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को राइट किया है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया शिवा लेनका कृष्णा प्रसाद के द्वारा किया गया है और बात करें इस फिल्म के स्टेयरिंग कास्ट आप लोगों को कौन कौन देखने को नजर आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में समन्था उन्नी मुकुंद मुकुंदन वारा लक्ष्मी शरत कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक्ट एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हिरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंदन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पर साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सिनेटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के की सिनेमेटोग्राफी कवर किए एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सिमेटोग्राफी की एम सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोधा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में से एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इसकी इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बॉक्स बजट के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फ़िल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस्त जो कि दोस्तों अच्छे खासी लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं तो वही पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों लो को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में ओ, ओ, हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की खत्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों लो को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोज किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कम्पोस्ट किए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ली देख सकते हैं और बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी टी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को जाएगी यशोदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यशौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं तो पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं तो पर बात किया जा जाए दोस्तों दो रोटेन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा सेवेंटी फोर परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा सेवेंटी फोर परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को रिलीज किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु एजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐजा बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐस अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे सम्पथ राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐज अ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजा तेजु के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एजा सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा हो कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वार लक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवंबर को तेलुगू तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों इस उदा फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पर फिल्म में सात सितारा होटल सेसेट का निर्माण तीन करोड़ रुपये की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनाय रामानायडू स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक विपन्नता बीप, के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोगो यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ़ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलल, पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस ना, नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर सौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में सौदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार सेरोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यासौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सॉरी हरीश यानी हरिशंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पर बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इराू उबली ओ, अम्बुली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का, का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद शेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम कब है और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहद बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के बीचते हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूं दो दोस्तों समन्ता रुद्र प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समन्ता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समन्था को सिनेमा की असली धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोग Uh, को uh, इस, अच्छे देखने तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है हरीश हैं जो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि हरी हरीश बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के डायरेक्टर हैं तो दोस्तों बहुत सारी फिल्मों को हरी हरी हरीश ने डायरेक्ट भी कर चुका है साथ में यशोदा फिल्म को भी डायरेक्ट किया गया है वहीं पर बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के राइटर के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के राइटर हरी हरीश ही हैं जो कि बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को राइट किया है वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया शिवा लेनका कृष्णा प्रसाद के द्वारा किया गया है और बात करें इस फिल्म के स्टेरिंग कास्ट आप लोगों को कौन कौन देखने को नजर आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में समन्था उन्नी मुकुंद मुकुंदन वारा लक्ष्मी शरत कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक्ट एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हिरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंदन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पर साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सिनेटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के सीमेटोग्राफी कवर एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सिमेटोग्राफी की एम सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में से एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इस 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 फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों भी बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट्स के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस्त जो कि दोस्तों अच्छे खासी लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में UH हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की ख़त्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कंपोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यह सौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यह सौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह सौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यह सौदा फिल्म में एक थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु एजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन है डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐजा बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐसा लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे संपथ राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात किए जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐजा बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजाज तेजु के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एजाज सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स के स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वार लक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवम्बर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को एमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामानायडू राम राम स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रख कर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक विपन्नता बीप, के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस ना, नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपने को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर यसौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यसौदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार सेरोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यशौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरिशंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों की साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पर बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अम्बुली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का, का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद शेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहद बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के बीचते हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूं दो दोस्तों समंता समन्ता प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाक्का भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समंता को सिनेमा की असली धाड़ा धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज़ द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों अगर आप लोग आ, को इस, अच्छे देखने तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है आप लोगों को यह फिल्म सिनेमा घरों में और एमजन प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फिल्म को एमजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज कर दिया गया है और दोस्तों यह 2022 दो की थ्रिलर्स एक्शन फिल्म है अगर आप लोगों को थ्रिलर एक्शन फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं वहीं पे बात किया जाए दोस्तों यशोदा फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आईएमडीबी 10 में से 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छी खासी लेवल की रेटिंग भी मिल चुकी है इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों इस फिल्म के अच्छे खासे लेवल्स के डायरेक्टर हैं तो दोस्तों बहुत सारी फिल्मों को हरी हरीश ने डायरेक्ट भी कर चुका है साथ में यशोदा फिल्म को भी डायरेक्ट किया गया है वहीं बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के राइटर के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू यशोदा फिल्म के राइटर हरी हरी सिंह हैं जो कि बहुत ही अच्छे से, से इस फिल्म को राइट किया है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सिवा लेनका कृष्णा प्रसाद के द्वारा किया गया है और बात करें इस फिल्म के स्टेरिंग कास्ट आप लोगों को कौन कौन देखने को नजर आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म में समन्था उन्नी मुकुंदन वारा लक्ष्मी शरद कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक्ट एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हीरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हें मुकुंडन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पे साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सीनेटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के सिनेटोग्राफी कवर किए एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी कवर नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सिनेटोग्राफी की एम सु... सु.. सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के, तो के, के, के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूजिक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इसकी इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट्स के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस् जो कि दोस्तों अच्छे खासे लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की ख़त्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कम्पोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यौौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को ये सौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में ये दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन एन टोमेटोज़ के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ योदा फिल्म में कॉस्ट नज़र आया समन्था रुद प्रभु एजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐज अ बृंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐज अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगी नायरा बनर्जी ऐसा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे सम्पथ राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नजर आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐज अ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजाज तेजु के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर राम रमेश एजा सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम यह होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वारलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को आ, इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवम्बर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों इस चौदह फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनायड रामानायडो स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूं किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक विपन्नता बीप, के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखें होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में वह है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर सौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यसौदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार रोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने उक, सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यसौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सेरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सॉरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों की साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अम्बुली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजोन प्राइम वीडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल किरद अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का, का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद सेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहद बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के वीर से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूँ दो दोस्तों समंता प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समन्ता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समन्ता को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज़ द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोग आ, को इस, अच्छे देखने हैं तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है आप लोगों को यह फिल्म सिनेमा घरों में और एमजॉन प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फिल्म लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के राइटर हरी हरी सिंह हैं जो कि बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को राइट किया है यहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया शिवा लेनका कृष्णा प्रसाद के द्वारा किया गया है और बात करें इस फिल्म के स्टेयरिंग कास्ट आप लोगों को कौन कौन देखने को नजर आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में समन्था उन्नी मुकुं, मुकुंदन वारा लक्ष्मी शरत कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हीरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंदन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पर साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सीमाटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के सिनेटोग्राफी कवर की एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में सिनेटोग्राफी का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सीनेटोग्राफी के एम सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को, को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इसकी इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी जो कि दोस्तों अच्छे खासे लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की खत्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कंपोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कंपोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और एक बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यशौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को ये सौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक कि, किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ योदा फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु ऐजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी एज अ बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नजर आती हैं दिव्या श्रीपाड़ा एज अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा एज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे संपत राज एज अ वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात किए जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा एज अ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजाज तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर राम रमेश एजाज सेंट्रल चे मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दो दोस्तों कि इस फिल्म की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम यह होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वार लक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवम्बर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों इस तो फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पर फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपये की लागत से नानक रामगुड़ा के राम नाय रामानायडू स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सरो, सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक बेपिपन्नता के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ़ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में वह है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर यसौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे को खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार रोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ यह फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अंबोली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज़ के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद शेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहा बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के वीर से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूँ दो दोस्तों समंता रुद्र प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समन्था को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज़ द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोग को अच्छे देखने तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है आप लोगों को यह फिल्म सिनेमा घरों में और एमजन प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फिल्म को एमजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज कर दिया गया है और दोस्तों यह 2022 की थ्रिलर्स एक्शन फिल्म है अगर आप लोगों को थ्रिलर एक्शन फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं और बात करें इस फिल्म के स्टेयरिंग कास्ट आप लोगों को कौन कौन देखने को नजर आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म में समन्था उन्नी मुकुंदन शरत कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हीरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंदन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पे साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सीमेटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के सीनेटोग्राफी कवर किएम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सिनेटोग्राफी की एम सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में से एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इस 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 फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बॉक्स के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस्त जो कि दोस्तों अच्छे खासी लेवल की बजट तो की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, थी, थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की ख़त्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कंपोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कंपोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और एक बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यह सौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यह सौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह सौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यह सौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में ये दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासे लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु ऐजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐजा बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐस अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे सम्पथ राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात किए जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐज अ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजा तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव और रमेश एजा सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छी खासिलेबल्स के स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समथा वारलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को आ, इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूं ग्यारह नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को एमजॉन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के राम नायड, रामानायडो स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे कास्ट लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता कि किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रख कर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक विपन्नता बीप, के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोगो यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हो क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखें होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में वह है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है और फिर यशौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार सेरोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यशौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पर बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अम्बुली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद शेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार, सिह सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूं इनका किरदार एक मजबूर बेहा बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के वीर से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों समंता रुद्र प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाक्का भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समंता को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोग आ, को अच्छे देखने तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है आप लोगों को यह फिल्म सिनेमा घरों में और एमजन प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फिल्म को एमजन प्राइम वीडियो पर बार लक्ष्मी शरद कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हीरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंदन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पे साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सीमाटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कवर की एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में सिनेटोग्राफी का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सिनेटोग्राफी की एम सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के, तो के, के, के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इसकी इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़, की थी, की, की, 50 से 50 करोड़ की, की थी जो कि दोस्तों अच्छे खासी लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की खत्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कंपोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कंपोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और एक बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशोदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यौौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में ये दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन एन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु ऐजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐजा बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाड़ा ऐज अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे संपत राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐज आ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी Uh, कल्पिका गणेश एजाज तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एजाज सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वार लक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवम्बर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को एमजॉन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के राम नायड़, रामानायडु स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सरो, आ, सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रख लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक बेपिपन्नता के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोगों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर यह सौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार रोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यशौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ यह फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों दू दू फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरिशंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम ही होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अंबोली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का, का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद सेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहा बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के बीचते हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूं दो दोस्तों समन्ता प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समंता को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज़ द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोग को इस, अच्छे देखने हैं तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है आप लोगों को या फिल्म सिनेमा घरों में और अमेजन प्राइम वीडियो फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में से एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इस 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 फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट्स के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस्त जो कि दोस्तों अच्छे खासे लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की ख़त्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोज किए थे जो कि बहुत अच्छे खासे लेवल से कम्पोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशोदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यशौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में ये दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासे लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज़ के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु ऐजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐज आ बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐज अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐसा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे सम्पथ राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नजर आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐज अ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजाज तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एजाज सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वारलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवम्बर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को एमजॉन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनाय रामानायडो स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता कि किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोगो यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलल, पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस ना, नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखेंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर सौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार रोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यसौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सेरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी सॉरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इराू उबली ओ, अंबोली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम वीडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल किरद अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद सेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और न ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहा बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के बिरसते से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूँ दो दोस्तों समंता प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाक्का भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में जो एक्शन दृश्य आते हैं वो सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के बजट्स के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी जो कि दोस्तों अच्छे खासी लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की खत्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कम्पोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशोदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यशौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यशौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी -Yeah 10 में से 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को, को रिलीज किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु एजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी एज ऐजा बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाड़ा एज अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐजा काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे संपत राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात किए जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐजा बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजा तेजु के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एजा सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म की बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम यह होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश uh, की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वरलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को आ, इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवम्बर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों सौ फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनाय रामानायडू स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक विपन्नता बीप, के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में वह है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर सौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में सौदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार सेरोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यशौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरिशंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अंबोली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजॉन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद शेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूँ इनका किरदार एक मजबूर बेहद बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के बीचते हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूं दो दोस्तों समता रुद्र प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समन्था को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म के राइटर के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ सौदा फिल्म के राइटर हरी हरी सिंह हैं जो कि बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को राइट किया है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया शिवा लेनका कृष्णा प्रसाद के द्वारा किया गया है और बात करें इस फिल्म के स्टेरिंग कास्ट आप लोगों को कौन कौन देखने को नजर आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म में समन्था उन्नी मुकुंदन वार शरत कुमार मुरली शर्मा राव रमेश दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ समन्था बहुत ही अच्छे खासे एक, एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है जो कि साउथ की बहुत ही अच्छी हिरोइनों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंदन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पर साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सिनेटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के सीमेटोग्राफी का वर्क ए एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में सिनेटोग्राफी का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सीमेटोग्राफी के एम सुकु.. सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इस इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस्त जो कि दोस्तों अच्छे खासे लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की ख़त्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कम्पोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को ये सौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज़ के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी uh, रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक कि, किया गया है जो बहुत गया है। कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ योदा फिल्म में कॉस्ट नज़र आए समन्था रुद प्रभु एजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐज आ बृिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नजर आती हैं दिव्या श्रीपाड़ा ऐज अ लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे संपत राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा ऐज आ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल्पिका गणेश एजाज तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एजाज सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों गो को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स की स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वारलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को आ, इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों इस चौदह फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनाय रामानायडू स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म में, यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सरो, आ, सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक बेपिपन्नता के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर सौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे को खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार रोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म या सौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों दू दू फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों की साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इराू ओ अंबोली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजॉन प्राइम वीडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर अखड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का, का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद सेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम कब है और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूं इनका किरदार एक मजब्दम सुक सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पे बात किया जाए यसौदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में से एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूज़िक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इस इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के बजट्स के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस् जो कि दोस्तों अच्छे खासे लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी के, के, के बारे तो में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की ख़त्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनी शर्मा इस फिल्म को कम्पोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासी लेवल से कम्पोस्ट किए गए किए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और एक बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी सौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यह सौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह सौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है क्योंकि आप लोगों को यह सौदा फिल्म है थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में ये दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे ख़ासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नज़र आया समन्था रुद प्रभु ऐजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन एज डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नज़र आएंगे और साथ में प्रीति असरानी ऐजा ब्रिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नजर आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐसा लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐजा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐज अ काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे सम्पथ राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा में नज़र आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा एज अ बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल कल्पिका गणेश एज अ तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर राम रमेश एज अ सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छे स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम यह होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स के स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वारलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को आ, इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूं ग्यारह नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों इस चौदह फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनायड रामानायडू स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सर सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रह रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यशो फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रख कर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक बेपिपन्नता के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोगों यशौदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म फिल्में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को देखें होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर यशौदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार सेरोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यशोदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ एक फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पर बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इराू ओ अम्बुली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजन प्राइम रेडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का, का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद शेरोगेसी के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहां से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूं इनका किरदार एक मजबूर बेहा बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के वीर से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों समंता प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समन्ता ने दर्शनीय अभिनय किया जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म में जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समन्था को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज़ द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोगों में से एक मानी जाती है उन्हीं मुकुंडन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे वहीं पर साथ में आप लोगों को इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के सिनेटोग्राफी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म के सीमेटोग्राफी कवर के एम सुकुमार ने किया है अगर आप लोग दोस्तों यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस फिल्म में का वर्क नेक्स्ट लेवल का किया गया है क्योंकि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर इस फिल्म को सीमेटोग्राफी के एम सुकुमार के द्वारा किया गया है वहीं पर बात किया जाए यशोदा फिल्म के एडिटिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में एडिटिंग भी आप लोगों को हाई लेवल की देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को एडिट किया है मरथंड के वेंकटेश ने किया जो कि मरथंड के वेंकटेश बहुत ही अच्छे खासी एडिटरों में एक एडिटर माने जाते हैं वहीं पे बात किया जाए यशोदा फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी मूवीज़ है और वहीं पे इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है मनी शर्मा ने दिया है जो कि आप लोगों को म्यूजिक भी अच्छे खासे लेवल्स के देखने को मिल जाएंगे यशोदा फिल्म में वहीं पर बात किया जाए इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को ग्यारह नवंबर दो हज़ार बाईस को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जो कि दोस्तों फर्स्ट ही दिन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बहुत सारे ऑडियंस जुटे थे और इस फिल्म के टिकट भी बहुत सारे टिकट सेल हो गए थे दोस्तों वहीं बात किया जाए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री तमिलनाडु किया है वहीं पे बात किया जाए इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों इस यशोदा फिल्म की बजट दोस्तों तीस से पचास करोड़ की थी दोस्त जो कि दोस्तों अच्छे खासे लेवल की बजट की बनी फिल्म यशोदा फिल्म है इस पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यशोदा फिल्म बत्तीस से पचास करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल की बॉक्स ऑफिस अच्छा कलेक्शन यशोदा फिल्म ने कर ली थी और दोस्तों अच्छे खासे टिकट्स भी इस फिल्म के बिक गए थे वहीं पे बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को तो बता दूं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में तो इस फिल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी दिसंबर 2021 में हुआ था और 2022 जुलाई में इस फिल्म की खत्म हो गई थी वहीं पे इस फिल्म में आप लोगों को दोस्तों मनीष शर्मा इस फिल्म को कम्पोस्ट किए थे जो कि बहुत अच्छे खासे लेवल से कम्पोस्ट किए गए किए की थे और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में आप ही देख सकते हैं और एक बात करें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हो तो दोस्तों यह फिल्म आप लोगों को एमजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी यशौदा फिल्म क्योंकि दोस्तों यौदा फिल्म अगर दोस्तों आप लोग एक्शन थ्रिलर्स फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यशौदा फिल्म बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स की फिल्म है।, है क्योंकि आप लोगों को ये सौदा फिल्म में थ्रिलर्स एक्शन देखने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेवल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी वहीं पे बात किया जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं ये सौदा फिल्म को आईएमडीबी 10 में से छः दशमलव पाँच की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स की रेटिंग्स भी इस फिल्म को मिल चुका है वहीं पर बात किया जाए दोस्तों रोटेन एन टोमेटोज के द्वारा इस फिल्म के लाइक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसके द्वारा सिक्सटी रेटिंग दिया गया है और बात करें दोस्तों इस फिल्म के गूगल यूजर्स के द्वारा लाइक के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यशोदा फिल्म को गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के लाइक्स भी मिल गए हैं क्योंकि गूगल यूजर्स के द्वारा 74 परसेंट लाइक्स पाना मतलब फिल्म बहुत ही अच्छी है और बात करें इस फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज किया गया था बात करें दोस्तों यशोदा फिल्म के कॉस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म में कॉस्ट नजर आए समन्था प्रभु एजा यशोदा के रूप में आप लोगों को यशोदा फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पर बात किया जाए वारा लक्ष्मी शरत कुमार के बारे में तो यह वारा लक्ष्मी शरत कुमार आप लोगों को इस फिल्म में मधुबन बाला के रूप में इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगी वहीं पे बात किया जाए उन्नी मुकुंदन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं उन्नी मुकुंदन है डॉक्टर गौतम के रूप में आप लोगों को इस फिल्म में रोल करते नजर आएंगे साथ में प्रीति असरानी ऐसा ब्रिंदा के रूप में इस फिल्म में रोल में नज़र आती हैं दिव्या श्रीपाडा ऐस लीला के रूप में देखने को मिल जाएंगे नायरा बनर्जी ऐसा सुधा सुधम्मा के रूप में देखने को मिलेंगे प्रियंका शर्मा ऐजा काजल्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे संपत राज ऐजा वासुदेव के रूप में यशोदा फिल्म में नज़र आएंगे वहीं पर बात की जाए मुरली शर्मा के बारे में तो इस फिल्म में मुरली शर्मा एज ऐजा बलराम के रूप में देखने को मिलेंगे कल्पी कल कल्पिका गणेश एज एजा तेजू के रूप में देखने को मिल जाएंगे और वहीं पे राव रमेश एज एजा सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में देखने को मिल जाएंगे आदि कास्ट लोग आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं दो दोस्तों कि इस फिल्म के बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलेंगे अगर आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम यह होगा कि इस फिल्म में बहुत ही अच्छे खासी लेबल्स के स्टोरी दिखाए गए हैं और दोस्तों यशोदा फिल्म 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर्स फिल्म है और इस फिल्म में श्रीदेवी मूवीज़ के बैनर्स तले शिवलेक्स का कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी द्वारा निर्देशित समन्था वारलक्ष्मी शरद कुमार और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन राव रमेश और मुरली शर्मा आप लोगों को आ, इस फिल्म यशोदा फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल जाएंगे यह फिल्म मैं आप लोगों को बता दूँ ग्यारह नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि दोस्तों इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी लेवल्स को फिल्म बन चुकी है वहीं पे बात करें दोस्तों इस चौदह फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई थी वहीं पे फिल्म में सात सितारा होटल से सेट का निर्माण तीन करोड़ रुपए की लागत से नानक रामगुड़ा के रामनाय रामानायडू स्टूडियो में दो मंजिलों पर भी किया गया था जो कि बहुत ही अच्छे खासी लेवल्स के शूट भी इस फिल्म को किया गया था और दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा में हिंदी संस्करण में किराए को, के कोख में सरो, आ, सरोगेसी के जरिए अभिभावक बनने की टिप्पणी की गई है मैं आप लोगों को बता दूँ किराए के कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिम राज्यों में पनपता रहा रहा है मुंबई के मलाड क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली एक तमाम महिलाओं का हाल के बरसों तक तांता लगा रहता था जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्म में दिखाया गया है मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है डायरेक्टर्स के द्वारा और राइटर्स के द्वारा कि जिन्हें आर्थिक बेपिपन्नता के कारण अपनी कोख में अमीर लोगों को किराए पर देने होती है जो कि इस फिल्म में आप लोग देखे होंगे अगर दोस्तों आप लोग यशोदा फिल्म को देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं जो कि फिल्म में इस स्टोरी को दिखाया गया है लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी के कारोबार की कहानी नहीं है ये कहानी उनके कहीं आगे तक जाती है जो कि फिल्म में एक संवाद है जो शायद मैं आप लोगों को बता दूं महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वालों को अच्छा ना लगे क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में लेकिन ये बहुत ही सामयिक भी है फिल्म की मुख्य महिला किरदारों में से एक कहती है राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म में दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यशोदा फिल्म को आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को देखकर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस फिल्म से बहुत सारे सीख मिलने वाले हैं और इस फिल्म में सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के एक सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से से भी पाँच साल बड़े उसी मंत्री के लिए इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथा संपत्ति होती है जो कि आप लोगों को यशोदा फिल्में देखने को यह स्टोरी मिल जाएगा दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूँ दूसरी तरफ यशोदा है इस ना, नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी को किराए पर देने को तैयार हो गई थी जो कि आप लोगों को फिल्म में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग इस फिल्म को होंगे तो आप लोगों को यह या, या तो मालूम ही होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में हुआ है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है क्योंकि खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग और बैठे कबूतर सब मनभावन है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया और फिर यशोदा कबूतर को पकड़ने चली जाती है तो पता चलता है उसको यह लगता है कि वह एक सिर्फ छलावा है बात वहीं तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उसे छलावे को खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म में आ, मेडिकल साइंस के कारोबार का काला चेहरा दिखाया गया है क्योंकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तस्करी रही है इसका ही अलग विस्तार रोगेसी के तौर पर हुआ था जो कि आ, मैं आप आप लोगों को बता दूं इस फिल्म से आप लोगों को बहुत सारे सीख देखने सीख मिलने वाले हैं कानून की माने तो कोई दंपति पर ही सेरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब तक जब तक पहले से उसके कोई संतान ना हो इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सेरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते थे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में अच्छे से मालूम होगा और इसी क्रम में शायद फिल्म में फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है फिल्म यौदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है चिकित्सा अनुसंधान के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ यह फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की हकीकत करने पर भी ऐसे ही पूरे गोर गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो सकता है फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है कि इस काम को रोकने के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी या यहाँ के संकेत ले ले तो काफ़ी कुछ हो सकता है फिल्म सिरगोसी के बहाने चलने वाले कारोबार तक विषय को ले जाती है वहाँ मजबूत स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ एक आशसेट बनकर रह जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों फिल्म यशोदा के निर्देशक हरी हरी सौरी हरीश यानी हरी शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम रहा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हरी हरीश और हरी हरीश नारायण को आप लोगों को मालूम होगा दो, दोस्तों की साउथ के बहुत ही अच्छे खासे डायरेक्टर राइटर्स माने जाते हैं और वहीं पे बात करें उनकी तीन फिल्में आ, और इरायू ओबली अंबोली और आह ने सिनेमा में एक अलग ही अध्याय लिखा है जो कि यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समन्था की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब्ड होकर रिलीज़ किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एमजॉन प्राइम वीडियो पर भी यशोदा फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि यह फिल्म आप लोगों को एमजन प्राइम रेडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी हरी और हरीश की अपने विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपना इसमें रोल आ, अच्छे से अपना मेहनत दिखाया है फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नायिका का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती दिखती है लेकिन एक बार खुलासा होने के बाद सेरो के कारोबार के पीछे के असल कारोबार और कुछ हैं दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ती लग बढ़ने लगती है क्योंकि फिल्म के अंत में हरी और हरीश ने अपनी कहानी के उन सूत्रों का खुलासा करते हैं जहाँ से उन्हें इस सिहार सिह, सिहरा देने वाला विषय मिला फिल्म की अवधि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कम रखकर हरी हरीश ने इस फिल्म को प्रभावी बना दिए हैं क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं समन्था और अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती थी उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है ना सरनेम कब है और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता फिल्म यशोदा में मैं आप लोगों को बता दूं इनका किरदार एक मजबूर बेहद बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू हो शुरू होकर किसी और के बिरसते से हुए गर्भाधान के बाद पेट में पल रहे बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव तक आता है मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों समंता रुद्र प्रभु अस्पताल में डॉक्टर से उनका नैन मटाका भी चलता रहता है साथ ही माताओं से शुरुआती नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल के मालकिन से शुरुआती सामंजस्य के बाद भी उन्हें नोकझोंक इन सारी अलग ही परिस्थितियों में समंता ने दर्शनीय अभिनय किया है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों को यशोदा फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है उनके अतीत का खुलासा होता है इसके बाद दोस्तों इस फिल्म जो एक्शन दृश्य आते हैं वो समंता को सिनेमा की असली धाड़ धा, धाकड़ भी बनाते हैं समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक से वेब सीरीज़ द फैमिली मैन भी सुपरहिट फिल्म में दे चुके हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोग आ, को अच्छे देखने तो दोस्तों यशोदा फिल्म बेस्ट है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यशोदा फिल्म में बहुत सारी सीख मिलने वाली है आप लोगों को यह फिल्म सिनेमा घरों में और एमजन प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस फिल्म को एमजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज कर दिया गया है और दोस्तों यह 2022 दो की थ्रिलर्स एक्शन फिल्म है अगर आप लोगों को थ्रिलर एक्शन फिल्म पसंद है तो दोस्तों आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं वहीं पे बात किया जाए दोस्तों यशोदा फिल्म के आई के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूं इस फिल्म को आई 10 में से 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है जो कि बहुत ही अच्छे खास लेवल की रेटिंग भी मिल चुकी है इस फिल्म को ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ किया गया था बात करें दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ इस फिल्म के डायरेक्टर हरी हरीश नारायण के हरी शंकर हैं जो कि बहुत अच्छे खासे डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस फिल्म को आप लोग ऑफिशियली एमज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस फिल्म में इस वीडियो में यशोदा मूवी के रिव्यू फैक्ट्स एंड डिटेल्स और साथ में ये दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में यशोदा मूवी के डायरेक्टर रिव्यू फैक्ट्स एंड डिटेल्स और डिटेल इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट फिल्मिंग्स और इस फिल्म को प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन यह फिल्म आप लोग कहाँ पर देख सकते हैं साथ में दोस्तों इस फिल्म में कौन कौन कास्ट नज़र आए हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस फिल्म में सब कुछ बता दिया हूँ और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय दोस्तों